क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन है, गेट 2017 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे हेरेडिटी का है। सबसे पहले देखो कैसे हेरेडिटी लेवल वाइज कैसे दिखाई गई है। क्वेश्चन समझाओ ना पहले। अरे पहले हेरेडिटी तो देख लो क्या है, लेवल वन लेवल टू कैसे मिनिमम रूल डिफाइंड होगी। ये हमारा लेवल वन कैसे है, ये हमारा लेवल टू कैसे है, और ये हमारी क्या है मेन मेमोरी। इसमें देखो दो L1 दो कैसे यूज हुई है, L1 है L2, और ये रहा हमारा लास्ट में हमारा जो कैशे का रिप्रेजेंटेशन होता है हायरार्की बेसिस पे, उस तरीके से लेवल वन लेवल टू मेन मेमोरी। तो सीपीयू हमारा होता है डेटा कहां से एक्सेस करता है, लेवल वन से। अगर डेटा हमको यहाँ मिलता है तो हमको बोलते हैं हिट, तो उतना टाइम लगता है इस कैशे का तो यूज कर लेते हैं। अगर डेटा हमारे यहाँ नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो एट लास्ट काम मिलता है हमको मेन मेमोरी में, मतलब पहला हमारा 100% डेटा मेन मेमोरी में मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हमारा यूज होता है कि हायरार्की इस तरीके दिखाई जाती है कि लेवल वन आएगा पहले, लेवल टू लेवल फिर मेन मेमोरी, बिकॉज इसका सबसे कम टाइम इसका, फिर थोड़ा टाइम इसका, उससे ज्यादा टाइम इसका। ओके, अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर टू लेवल कैशे हायरार्की विद L1 एंड L2 कैशे, मींस लेवल 1 एंड लेवल 2 कैशे, ये हम लोग को गिवन किया है। An application requires 1.4 memory access per instruction. मतलब जो हमारा 1.4 memory access कर रहा है per instruction में, and total instruction में जो given है 1000 instruction को given किया हुआ है इस question में। ठीक है, और हमारा जो miss rate है L1 cache का वो हमको mention किया हुआ है 0.5.1। okay, और वो बोल क्या रहा है हमको, L2 कैसे एक्सपीरियंसेस ऑन एवरेज 7 मिसेस पर 1000 इंस्ट्रक्शन। और निकालना क्या है हमको, मिस रेट निकालना है L2 में, मतलब मिस रेट हमारा L2 में कितना होगा। सबसे पहले देखो कितने हैं पर टोटल इंस्ट्रक्शन कितने हैं, ये क्या दिया 7 मिस पर 1000 इंस्ट्रक्शन है L2 कैसे, है ना। हां ये मैंने मेंशन किया हुआ है, तो मिस रेट 7 बाय 1000 नहीं होगा क्या, 7 मिसेस पर 1000 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हां फिर मिस रेट क्यों निकाल ली, मिसेस ये मिसेस गिवन है, नंबर ऑफ मिसेस है पर इंस्ट्रक्शन, हमें ये मिस रेट निकालना है। जो तुम कहना चाह रहे हो कि 7 बाय 1000 कर देंगे तो मिस रेट निकल जाएगा। अच्छा ये 1000 इंस्ट्रक्शन है उसमें 7 मिस हुए, ये लेवल 2 कैश में मिसेस हुए हैं 7 मिसेस। अच्छा ठीक है, मिस रेट होता है कि जब नंबर ऑफ मिसेस अपॉन टोटल अटेम्प्ट्स तब निकाला जाता है, वो मिलता है हमारा मिस रेट। नंबर मतलब मिस होता है ना, मिस रेट कैसे निकालते हैं, मिस रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मिसेस अपॉन टोटल अटेम्प्ट्स। यहाँ पे तुम कुछ समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बेस से बोल रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे 1000 इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं टोटल अटेम्प्ट्स, यहाँ पर टोटल 1000 इंस्ट्रक्शन ही है, ये बोल सकते हो ना, ये इस तरीके से सोच सकते हो, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। अभी बता रहे हैं देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, हमें क्या बोला गया है, एप्लीकेशन अगर कर रहा है 1.4 मेमोरी एक्सेस पर इंस्ट्रक्शन। अब बोला 1.4 मेमोरी एक्सेस पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के लिए बोला ना, ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक इंस्ट्रक्शन के लिए कर रहा है, हमारे पास टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस हैं 1000 इंस्ट्रक्शंस, मैं निकाल लूंगा ना कितनी मेमोरी एक्सेस होगी, ये ऐसे निकाल लूंगा ना, ये कितने निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगा नहीं, कितना निकलेगा ये, तो ये आके मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.4 इनटू 1000 टोटल कितना आएगा, 1400 मेमोरी एक्सेस हो रही होगी।
प्रोडक्ट इतने हमारी मेमोरी रेफरेंसेस होंगे जो कहां से यहां से आए होंगे, लेवल वन कैसेस चल रहे होंगे स्टार्टिंग से, ना कि अपन यहां देखेंगे कि 7/1000। हमको क्या है अंदर से देखना है, ग्लोबली में नहीं देखना है, लोकली में देखो मैसेज होंगे। ग्लोबल में से होता है कि आपने यहां से देखा, आपने बोला 20% यहां हिट हुए, मतलब 80% आपके मिस हुए, ठीक है। लेवल वन कैसे में अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया होता, अगर लेवल टू में उसने बोला होता कि 30% मिस है, तो 100-30 70% हिट बोलते तुम, 30% मिस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमको नहीं मेंशन किया हुआ है। हम कहाँ से चलेंगे, 1400 के पास अब मेमोरी एक्सेस है, मतलब टोटल 1400 मेमोरी है हमारे पास अभी। अब हमें यहाँ से चलना है, यहाँ से कैसे में ढूंढना है, ठीक है। अब सीपीयू ढूंढने चालू किया यहाँ पे, ये अटेम्प्ट क्या है, नंबर ऑफ मैसेज अपन टोटल अटेम्प्ट, किस चीज का अटेम्प्ट है ये, मतलब इससे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो। तो इंस्ट्रक्शन तो 1000 है, 1000 इंस्ट्रक्शन है, तो अभी ये के काम ही तो हमें सबके लिए चलना है ना, मिस रेट निकालना है फाइनल। अभी मैं पहले वाले के लिए मिस रेट गिवन कर दिया है, ये तो अज्यूम करके चल रहे हो। तुम्हारा कहना था ना कि सर यहाँ पे 1000 रख सकते हैं, रख सकते हैं लेकिन नहीं रख सकते ना उसको, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ठीक, इसमें कितने डेटा है, मान लो 16, ये ब्लॉक 16 बाइट का है, ठीक है, दिस इज अ वन ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ 16 बाइट। यहां पे तुमने एक्सेस किया, तो मान लो एक पहला डेटा तुम्हें मिल गया, और इसके साथ कितने आए, 15 और आए होंगे ब्लॉक जो ट्रांसफर हुआ होगा मेन मेमोरी से कैशे में। ये कैशे का ब्लॉक दिखा रहा हूं, ये कैशे का ब्लॉक है एक, उसमें तुम्हें मानो सीपीयू ने मांगा कि भाई पहला वाला एलिमेंट चाहिए मुझे, तो पहली बार उसको मिस हुआ, तो जो नेक्स्ट 15 आएंगे वो हिट होंगे, तो 1/ टोटल कितने हैं ये, ये है टोटल अटेम्प्ट्स, समझ रहे मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर जितना आ रहा है मेमोरी का एक्सेस है टोटल। हाँ, तो यही तो बोला ना हमने, मेमोरी एक्सेस के एलिमेंट लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे 1000। ये मेमोरी एक्सेस तो L1 कैश के लिए जाएगा, L1 कैश के लिए 1400 मेमोरी एक्सेस आ गए, ठीक है, इतना आया समझ में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, मिस रेट L1 कैश की 0.1, L1 कैश में यहाँ से आया कितना 1400 मेमोरी आया होगा, यहाँ पे कितना बोला है वो 0.1 मिस, तो क्या करेंगे 1400 × 0.1 कितने बचे होंगे भाई, 140। यहां तक आने, यहां तक मतलब यहां पर 140 मिस और ढूंढे हैं, ये ढूंढे, और यहां पे कितना बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है सेकंड में, L2 कैसे क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ऑन एन एवरेज 7 मिसेस, 7 मिसेस हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, 7 मिसेस, तो हमारे पास बचे कितने, यहाँ पे कितने इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो मेमोरी एक्सेस के लेवल वन से 140, तो टोटल हमारे पास 140 ही तो आए हैं, नहीं लेकिन उधर तो क्लियरली दिखा है 7 मैसेज पर 1000 इंस्ट्रक्शंस, तो 1000 इंस्ट्रक्शंस क्या है, हम तो मेमोरी को एक्सेस करते हैं ना, जो इंस्ट्रक्शंस हैं 1000 इंस्ट्रक्शन में हम 140 टाइम्स मेमोरी तक आए हैं। हां अच्छा समझ गए, तो यहां पर हम कहां, यहां पे 1400 थे लेवल वन से निकले, तो बोला कि 0.1 मिस रेट है, तो यहाँ पे कितने आगे बचे हमारे पास 140, मतलब 140 और मिस हो गए। अब लेवल टू बोला है इसमें हमारे जो मिस हो रहे हैं वो 7 मिसेस हो रहे हैं, टोटल किस में से, कितने में से 140 में से, तो हम क्या करेंगे 7/140, ठीक है। हमको पूछा ही क्या है सर, मिस रेट ऑफ L2, तो ये हमारा क्या दिखा देगा, मिस रेट, ये हो गया ना हमारा मिस रेट, ये हो गया नंबर ऑफ मिसेस, ये हो गया टोटल अटेम्प्ट्स, नहीं हो गए हमारे जो यहाँ पे है, यहाँ पर आए हैं इस लेवल पे, जो ये लेवल वन के मैसेज थे जो बच के आए हैं यहाँ पे, मतलब हमको यहाँ से ट्रांसफर करना होगा इस चाल, लेकिन बोला यहाँ से भी मिस होंगे जब, तो कहाँ मिलेगा वो मेन मेमोरी डेटा, मिलना ही मिलना 100%। तभी क्या होता है जब सीपीयू जब एक्सेस करता है वो यहाँ डेटा ट्रांसफर करता है, फिर यहाँ डेटा ट्रांसफर करता है, फिर सीपीयू यहाँ से एक्सेस करता है लेवल वन से,
ठीक है, इस तरह की हायरार्की हमारा बेसिकली हमने ये हमें चाहिए था बस। हमने क्या किया है, 100 हमारे पास इंस्ट्रक्शन थे, 1000 इंस्ट्रक्शन हमने अज्यूम करें क्योंकि 1000 पे 7 मिस हो रहे हैं हेड टू में। फिर हमने क्या किया, 1000 में से 1000 इंस्ट्रक्शन पर हमारा हमने कैलकुलेट किया कि 1400 मेमोरी एक्सेस, मेमोरी एक्सेस कितने हो रहे हैं, 1400 मेमोरी एक्सेस हो रहे हैं जो L1 में एक्सेस होंगे, उसमें से जो मिस हो रहे हैं वो L2 में आएंगे, वो L2 में आएंगे। 1400 में से 0.1 मिसेस हो रहे हैं तो 140 मिसेस हमारे मतलब यहां से मिस हो गए यहां पे आ बचे। मिस रेट कितने का था, 140 मेमोरी L2 तक आ जाएंगे एक्सेस। हां तो L2 में उसमें से 7 मिस हो रहे हैं तो हमारा L2 का मिस रेट आ गया 7/140। बस यही हमें पूछा गया, मिस रेट का मतलब मेन है कि नंबर ऑफ मिस ऑन पर्टिकुलर कैश कैश अपॉन नंबर ऑफ मेमोरी अटेम्प्ट्स ऑन दैट कैश। ओके, गॉट इट। ओके,